आज आए बोलिए किरण जी को विजय का माला पहना दिया जाए क्या है, पूरी बुलंदी से बोलिए जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये आपकी बेटी बचाएगी, आप देख रहे हैं ना तरारी के जनरल साहब लड़ेंगे, यहाँ आनंद मिश्रा लड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जन सुराज की ताकत है, अपने बेटी को जिताइए, ये सारा माफिया राज बदमाश सबका खत्म होगा। जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक बार अपने बच्चों के लिए, तरारी में अच्छे उम्मीदवार के चयन के लिए आप सबसे अपील कर रहे हैं, वोट दीजिए, अन्यथा बदमाश को जिताइएगा। तो बदमाश बदमाश ही है, बदमाश का गुंडा का कोई जाति नहीं होता है, गुंडा का एक ही जाति है, वो गुंडा है। इसलिए डरिए मत, अगर यहाँ सभा में नहीं बोलना है मत बोलिए, लेकिन जब वोट दबाने जाइए तो एक अच्छी महिला को वोट दबाकर जिताइए, ताकि आपके तरारी की जनता को इस बदमाशी से मुक्त कराया जा सके। और आपका भाई आपका बेटा प्रशांत किशोर किसी से नहीं डरता है, दूबरी से चल रहे पैदल, एगो सिपाहियों लेकर नहीं चलते हैं, सब आहुबली बाहुबली किनारे हैं, कुछ नहीं कर सकता है। तो डरिए मत, डरिए मत, पूरी ताकत से अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाकर सही वोट दबाइए, और जाति धर्म में बट जाइएगा तो कभी आपको एमएल के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से एमएल को वोट देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस बार आपके पास विकल्प है, इतने दिन से आप कह रहे थे भैया कोनो विकल्प नहीं थे, अब विकल्प आया है, अगर आप चूकिएगा तो पूरे देश की जनता देख रही है कि तरारी की जनता को बाहर नहीं निकलना है, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना भाई, एक बार हाथ उठाइए जरा सब लोग, किरण जी को जिताना है कि नहीं जिताना है, ना जोर से बोलना है भैया, इतना धीरे से बोलने से नहीं होगा, किरण जी को जिताना है कि नहीं जिताना है, आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए जो खड़े हैं वो भी, जिताना है कि नहीं जिताना है, जिताना है ना, तो खाली अपना वोट नहीं देना है, अगल बगल खाली जितने लोग यहाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग भी चुने गए हैं वो जमीन से जुड़े हुए और स्वच्छ छवि के नेता या नेत्री हैं, और हम जानते हैं कि जनता का पूरा पूरा विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे और सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। जी, चार पांच लोगों का नाम आ रहा था, वो भी लोग साथ में हैं? हाँ, सब लोग साथ में हैं, सब लोग, हम लोग साथ में ही रैली में आए हैं, सब लोग साथ में हैं। रामगढ़ में जैसा कि हर बार देखा गया कि सामने से त्रिकोणीय मुकाबला रहा, इस बार जनसुराज भी सामने से लड़ रहा है जी, कितना टक्कर देगा और किससे लड़ाई है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जैसा हमारे उम्मीदवार साहब ने बताया है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। मिश्रा जी, आप